हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ नीटिंग के इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन की वीडियो शेयर करने वाली हूं। इसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने भेजा है और बोला है कि मैम जल्दी से इस डिज़ाइन को बनाकर दें, हमें भी बनाना है। ये डिज़ाइन बनाने में बिल्कुल इजी है। इसके लिए हमने देखिए 3-3 के मल्टीपल से फंदे लेने हैं, 2 फंदे एस स्टिच के एक्स्ट्रा ले लेने हैं। चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं इसे बनाना। सिलाई में मैंने फंदे ले लिए हैं, ये मैंने 17 फंदे लिए हैं, 17 फंदे देखिए लिए हैं। 3-3 के मल्टीपल से 15 फंदे और 2 फंदे एस स्टिच के, दोनों तरफ का एक एक फंदा। तो इस पैटर्न की फर्स्ट रो सीधी तरफ से पूरी हमारी सीधी बन के आएगी, ऐसे पूरी रो हम सीधी सीधी बना लेंगे। बॉर्डर बनाना है, बॉर्डर बनाने के बाद आपने फर्स्ट रो सीधी तरफ से पूरी सीधी बना लेनी है। एक रो ये पूरी सीधी कंप्लीट करने के बाद अब उल्टी तरफ से हमने पूरी रो उल्टी बना लेनी है। अब ये पूरी रो उल्टी बना लेंगे। अब थर्ड रो देखिए पूरी सीधी तरफ से सीधी आएगी। 3 सिलाइयाँ इस पैटर्न में पूरी हमारी प्लेन ही डलती हैं। फर्स्ट रो सीधी तरफ से सीधी, सेकंड उल्टी तरफ से उल्टी, फिर थर्ड रो सीधी तरफ से पूरी सीधी बना लेंगे। पांच रो का हमारा पैटर्न है, जिसमें से 3 रो हमारी प्लेन डलेंगी, 2 रो में हमारा सिर्फ डिज़ाइन डलेगा। तो ये थर्ड रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब फोर्थ रो हमारी उल्टी तरफ से, अब यहाँ पर फोर्थ रो में ही हमने कलर लगाना है इसके साथ। अब यहाँ पर मैं अपना सेकंड कलर लगाऊंगी इसके साथ, ऐसे। ये एक, ये दो, ये फर्स्ट फंदा तो हमारा एस स्टिच का ही है देखिए, ये सेकंड फंदा हमारा है डिज़ाइन का। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सिलाई पर ऐसे धागा घुमाएंगे, एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे, फिर से सिलाई पर धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, सिलाई पर धागा ऐसे घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, सिलाई पर धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, सिलाई पर धागा घुमाया, एक फंदा उल्टा बना लेंगे, सिलाई पर धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से सिलाई पर धागा घुमाया, एक फंदा उल्टा, सिलाई पर धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा। पूरी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है, सिलाई पर धागा घुमाते जाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाते जाएंगे, ऐसे पूरी रो हमने कंप्लीट कर लेनी है। सिलाई पर धागा घुमाया, ये लास्ट में देखिए 2 फंदे रह गए, इस फंदे को उल्टा बनाया, अब ये भी फंदा हमारा उल्टा, ये 2 फंदे हमारे उल्टे आ गए। स्टार्टिंग में भी हमने देखिए यहाँ पर 2 फंदे ही उल्टे बनाए थे। अब सीधी तरफ से ये हमारी फिफ्थ रो है, तो यहाँ पर फिफ्थ रो में फर्स्ट फंदे को उतार देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। धागा अपनी तरफ करने के बाद अब जिन फंदों पर देखिए यहाँ पर सिलाई पर धागा घुमाया हुआ है हमने, ये एक, दो, ये साथ साथ देखिए जो धागा घुमाया है इसे खोल देंगे, ये 3, 3 फंदे हमने तीनों खोल लिए। 3 फंदों को खोलने के बाद इसे वापस लेफ्ट नीडल में लेंगे, एक बार इसे उल्टा बना देंगे, अब निकालेंगे नहीं, धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक बार हम सीधा बना देंगे, फिर से निकालेंगे नहीं, धागा अपनी तरफ करते हुए फिर से इसे उल्टा। अब 3 से हमने देखिए ये 3 फंदे बना लिए, अब ऐसे निकाल देंगे। अब फिर से क्या करेंगे, इस फंदे को ऐसे खोल लेंगे, 2 को, ये 3 को, ऐसे बल को निकाल दिया। अब इन तीनों फंदों को लेफ्ट नीडल में लिया, एक बार इसे उल्टा बना दिया, धागा दूसरी तरफ करेंगे,
एक बार सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, एक बार उल्टा बना देंगे ऐसे। अब फिर से ये एक फंदा खोला, ये दो, ये तीन। अब तीनों को लेफ्ट नीडल में लिया, एक बार इसे उल्टा बना दिया, फिर धागा दूसरी तरफ एक बार इसे सीधा बना देंगे। अब धागा अपनी तरफ एक बार इसे उल्टा बना लेंगे ऐसे। अब फिर से एक, दो, तीन। तीन फंदों को खोला, वापस लिया सिलाई पर, एक बार इसे उल्टा बनाया, धागा दूसरी तरफ किया, एक बार सीधा बना देंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, एक बार उल्टा। पूरी रो में हमने इसी पैटर्न को रिपीट करते जाना है। निकाला, निकाला, देखिए ये तीन फंदे लिए। अब इन तीनों को एक बार उल्टा बनाया, फिर धागा दूसरी तरफ एक बार सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ एक बार उल्टा, और ये लास्ट का फंदा हम उल्टा ही बना लेंगे। अब उल्टी तरफ से हमने ये पूरी रो अपनी इस कलर से, देखिए फर्स्ट कलर से बनानी है ऐसे। इस पूरी रो को हमने उल्टा उल्टा बनाते जाना है। इस रो में हमारा कोई डिज़ाइन नहीं डलेगा, पूरी रो हमारी ये उल्टी बन के आएगी। ये पैटर्न की छठी रो, छठी रो इसे काउंट कर लेंगे हम, छह रो हो गई हमारी ये टोटल पैटर्न की ऐसे। ये पूरी रो उल्टी, अब सीधी तरफ से हमने पूरी रो सीधी, फिर उल्टी, फिर सीधी, फिर उल्टी तरफ से अपना कलर लगाना है इसके साथ। तो ये देखिए ये ब्यूटीफुल ऐसा डिज़ाइन बनकर आएगा। इसे आगे आगे रिपीट करते जाएंगे तो ऐसा ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर आएगा। वीडियो बहुत प्यारी है, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा।